बैंक मित्र है, इन दीदियों का पेमेंट है बहुत कम है। मतलब महिलाओं के ऊपर ही काम है, इसमें समूह गठित से लेकर ग्राम संगठन से लेकर क्लस्टर संगठन तक का इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल, आपका अपना चैनल। और आज मुनादी चौपाल में बात करेंगे उन महिलाओं की जो सरकार की योजनाओं से बिल्कुल ग्रास रूट पर जुड़ी हुई हैं। सरकार की चाहे कोई भी योजना हो, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना इनका मेन काम होता है। और आज ये महिलाएं पहली बार कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, तो किस तरह की इनकी मांगे हैं, वो सरकार से क्या चाहती हैं, तो हम सीधे चर्चा करेंगे उन महिलाओं से जो पिछले दो दिनों से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हैं अपने काम धाम को छोड़ करके। तो माफ़ कीजिएगा, चार दिन बता रही हैं कि चार दिनों से लगातार धरने पर बैठी हैं। और ये 2018 में ये नियुक्ति हुई थी इनकी, और ये आज चार साल हो गया, तो चार सालों में क्या कुछ सरकार से इनकी अपेक्षाएं बढ़ी हैं, किस तरह की इनकी मांगे हैं, तो हम सीधे उन महिलाओं से बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा गांव होते हैं और गांव में जाकर के सभी महिलाओं को समूह में जुड़ना रहता है, और समूह से हम लोग ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन बनाते हैं और ग्राम संगठन से हमारा क्लस्टर बनता है। तो ये ग्राम पंचायत में रह करके हम हर प्रकार के सर्वे भी करते हैं, और जो महिलाएं थोड़ा निष्क्रिय रहते हैं उनके यहाँ जो लाभ नहीं हुआ है उसको उस लाभ को दिलवाते हैं। जैसे कि जिसके यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उनको नहीं बनने का कारण पूछते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और जहाँ शौचालय सब, और जिसके यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उनको जा करके राशन कार्ड सब नहीं मिल पाया है, उनको जा करके हम लोग समझाते हैं और इस समूह में जोड़ने का प्रयास करते हैं। वेतन कितना मिलता है आपको? आपको वेतन कितना मिलता है सर? 1500 रुपये महीने में, 1500 मिलता है जी सर। अच्छा, और फिर समय पर नहीं मिलता है सर। अच्छा जी, नहीं मिला, नहीं मिला है। ये अभी आप गोठान की बात कर रहे थे, सर गोठान में भी बहुत दिक्कतें आती है सर, क्योंकि सारे महिलाएं समय पर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि घर में भी काम करना पड़ता है, और जहाँ पर खाद बनाते हैं वहाँ पर खाद छानाई वगैरह के लिए सब दिक्कतें आती है सर। तो इसके लिए हम लोग सभी महिलाओं को लाभ दिलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है सर जी। बताएं, आप सभी को जय बिहार। जय बिहार। मेरा नाम है समर डहरिया और मैं जसपुर जिला में पीआरपी की कार्य करती हूँ, और यहाँ हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम लोग इसी धरना प्रदर्शन के लिए रायपुर भी गए थे, और हम लोग हर जगह ज्ञापन सौंपे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग शासन तक जाए। हम लोग यहाँ जमीनी स्तर में काम करते हैं, जैसे शासन की हर योजना है उसको पंचायत तक पहुँचाते हैं, और हर प्रकार का हर विभाग का काम हम लोग को दिया जाता है, जिसको हम लोग शांतिपूर्ण करते हैं, सही समय में करते हैं। और हम लोग यहाँ 4 PRP हैं, और हम लोग को रायपुर से यहाँ भेजा गया है, हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमको जितना मानदेय मिलता है उससे हम लोग का केवल सफ़र खर्च, घर खर्च और पेट्रोलिंग बस ही हो पाता है। जितना हम लोग को मानदेय मिलता है उतने में हमारा घर भी चलना मुश्किल है। और यहाँ जसपुर में हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग को मानदेय 4 महीना 3 महीने में एक बार दिया जाता है, जिससे हम लोग खुश नहीं हैं। इसीलिए आज हम लोग का सक्री दीदी का पूरे केडर के साथ यहाँ 5 महीना 6 महीना हो गया मानदेय रुका हुआ है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हम लोग का मानदेय नहीं मिलेगा, हमारी 4 मांगे हैं वो पूरा नहीं होगी, हमारी बात शासन तक नहीं पहुँचेगा, हम लोग का धरना जारी रहेगा। और हम लोग 25 तारीख को रायपुर धरना स्थल में बूढ़ा तालाब में जितना जनसंख्या में हो सके वहाँ पे जाके अपनी बात को रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ये जो वेतन कई महीने से मिलने की जो बात नहीं जो आ रही है, केवल जसपुर जिले में शिकायत है कि हर जगह यही बात है? कई कई जिला में 2 महीना 3 महीना होता है, बाकी पूरा मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत हमारे जसपुर में ही होता है। बाकी जिला में दीदी लोग से बात किए हैं तो लोग बताते हैं कि उन लोग का मानदेय हर महीने मिल जाता है, तो हम लोग चाहते हैं शासन से कि हमारी जो मानदेय दिया जाता है उसका एक समय, एक डेट फिक्स करे, और उस डेट में हमको हर महीना मानदेय दिया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सकें, और हमारी मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, हमें नियमित किया जाए, और हमारी जो 4 सूत्र मांगे हैं वो शासन तक हम लोग पहुँचाएंगे और अपनी मांग पूरा करेंगे हम सब एक हैं। जी बताएं, किस तरह की आप लोगों की मांगे हैं, क्या सरकार से क्या चाहती हैं आप?
हम लोग सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो बिहान योजना उसमें काम करते हैं, तो हमारे नीचे में जो क्रेडर दीदी लोग हैं, सक्रिय महिला है, RBK है, FLCRP है, PRP है, DJP है, विशेष सखी है, बैंक मित्र है, इन दीदियों का पेमेंट है बहुत कम है और हमें हर महीना समय पर नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग आज 4 दिन के लिए यहाँ पर धरना में बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं सभी दीदियाँ। कब तक चलेगा आप लोगों का ये धरना? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। अच्छा, ये किस तरह का काम होता है आप लोगों का, ये क्या काम करती हैं आप लोग, मतलब सरकार की, मतलब ये कैसे लोगों तक पहुंचाती हैं आप? ये मतलब महिलाओं के ऊपर ही काम है, इसमें समूह गठित से लेकर ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से लेकर क्लस्टर संगठन तक का इसमें कार्य रहता है, जिसमें महिलाओं को आजीविका से भी जोड़ना है और आजीविका से जोड़कर उन सबको ऊपर उठाना है, लोन दिलाकर उसको आजीविका से जोड़कर उसको ऊपर उठाने का कार्य इसमें आत्मनिर्भर बनाना है इसमें। नहीं, तो क्या ये पहली बार आप लोग क्या ये मतलब पहली बार कैसे मतलब आंदोलन करना, इससे पहले आइडिया नहीं आया और अचानक से मतलब कैसे लगा कि आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो बहुत कम पक्ष हुआ है जुड़े हुए भी, क्योंकि हम लोग को मानदेय अभी 5 माह से नहीं मिला, 6वां महीना चालू हो गया है। वजह क्या है मानदेय नहीं मिलने की? जैसे बोलते हैं वहाँ से हमारे पास आया नहीं है, वहाँ से केंद्र सरकार राज्य सरकार से हमारे पास आया नहीं है, इसलिए नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बोला जाता है। नहीं नहीं, तो ये मानदेय नहीं मिलने का कारण क्या बताते हैं, वजह क्या बताते हैं? केंद्र सरकार की ओर से अभी मानदेय नहीं आया है, इसी कारण से मानदेय नहीं दिया जा रहा है, ऐसा करके बोला जाता है सर। कितना मानदेय मिलता है आप लोगों का? आप लोगों पद के अनुसार मानदेय सभी को दिया जाता है, जैसे सक्रिय दीदियों को 1500 रुपया दिया जाता है, FLCRP दीदियों को 5000 रुपया और RBK दीदियों को 2200 रुपया दिया जाता है और बैंक मित्र को 2500 रुपया दिया जाता है। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, कैसे आप ये सामने आइए, ये आप उसको बता रहे थे कि मतलब काफी काम करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, किस तरह की दिक्कतें होती हैं? आपने सुन लिया, ये महिलाएं क्या कहना चाहती हैं, क्या इनकी मांगे हैं। दरअसल इनकी 4 मांगे हैं और जो उनमें से एक मुख्य जो इनका मांग है वह है रोजगार की गारंटी का मांग। ये एक जहाँ एक जुड़कर काम कर रहे हैं सिर्फ गारंटी चाहते हैं कि हमें वो नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले ताकि हम कॉन्फिडेंटली अपने क्षेत्र में काम कर सकें। वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से काम करती हैं उन्हें वेतन नहीं मिलता, इनका साफ कहना है। तो बहरहाल ये 6 दिनों तक लगातार धरने पर बैठी रहेंगी और 6 दिनों तक अगर सरकार विचार नहीं करती इनके मांगों पर तो ये इन्होंने आगे भी आंदोलन को बढ़ाने का फैसला लिया है। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।